मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट द क्लास सेवन. क्लास सेवन चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. सो आई स्टार्ट द टुमारो वी विल लर्न सॉरी टुडे वी विल लर्न आउटपुट डिवाइस. यस्टरडे आई विल लर्न इनपुट डिवाइसेस. टुडे वी लर्न द आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, पावर प्लॉटर, स्पीकर्स. इट इज एक्स्ट्रा. सो नाउ स्टार्ट आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिस्प्ले द आउटपुट एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सेप्टेड आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर द प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स. नाउ वी डिस्प्ले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा. सो वी स्टार्ट नाउ मॉनिटर. व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर इज अ डिस्प्ले यूनिट. सो इट्स डिफाइंड द VDU. नाउ दिस वुड कॉल नेम. हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हाय स्टूडेंट्स, यू लुक हियर. वीडियो मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ वीडियो. मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड द वीडियो. इट इज नोन एज अबाउट अ वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट इज यूज अ स्मॉल स्पेसेस. नाउ स्क्रीन विजुअल शो द आउटपुट्स. वी आर इंफॉर्मेशन ऑन रिजल्ट्स इन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. सो स्टूडेंट्स, हम सब देखते हैं कि मॉनिटर होता क्या है. मॉनिटर हमारे एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंफॉर्मेशन और रिजल्ट को दिखाने के लिए, जिसके द्वारा जो भी हमारे इनपुट डिवाइस में के द्वारा जो भी हमारे सीपीयू एक्सेप्ट करता है, सिस्टम एक्सेप्ट करता है, उसके इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट को जो भी प्रोसेस के बाद हमको मिलता है वो हमको ज़्यादातर हमारे मॉनिटर पे ही दिखता है. तो हमारे मॉनिटर जो होते हैं, मॉनिटर एक प्रकार का इनपुट के बाद प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस के बाद जो हमारे आउटपुट मिलती है, उस आउटपुट डिवाइस के रूप में हमारे सबसे पहले देखा जाता है क्या है? हमारा मॉनिटर. मॉनिटर इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सो मॉनिटर टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स यू नो? ओल्ड वर्जन यू नो मोनोक्रोम. हाउ सीन मोनोक्रोम इज लुकिंग एट योर टेलीविजन. कैसा दिखता है आपका टेलीविजन की तरह? कैसा दिखता है टेलीविजन? आप लोग घरों में या कहीं और किसी घरों में देखे होंगे, सबसे पुराने टीवियाँ देखते होंगे, वो टीवियाँ कैसे दिखती होंगी? वो टीवियाँ आपको इस प्रकार से देखने को मिलती होंगी. आप लोग देखे होंगे ना, देखे होंगे एक बार. फिगर मैंने दिखा रहा हूँ, फिगर को आप लोग देखिए. ये फिगर आपका लुक लाइक एज द कॉल्ड एज द वीडियो मोनोक्रोम. मोनोक्रोम मतलब कि आपका एक प्रकार से बड़ा सा डिस्प्ले होता था जिसका हम सब मॉनिटर में देखते थे. ये हमारा सबसे पहले मोनोक्रोम नाम इसका इसलिए रखा गया. मोनोक्रोम किस लिए नाम रखा गया इसका? बिकॉज इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट यार इसमें आता था, ब्लैक एंड व्हाइट में. उसके बाद ये सीआरटी के रूप में बना गया. सीआरटी हमारा सीआरटी कब आया इसको तो हम सब बोल रहे हैं मोनोक्रोम. मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट में है, बट सीआरटी हमारा एक प्रकार से अगर देखा जाए थोड़ा सा हमारे इससे कम हुआ है. थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कम होता है. देखने में ऐसा लगता है कि टीआरटी की तरह, लेकिन हल्का सा हमारा वीडियो इस प्रकार से डिस्प्ले होता है. सो ये हमारा जो डिस्प्ले पीछे की तरफ दिखता है ये हल्का सा कम होता है, और इसमें थोड़े से फीचर्स बढ़ाए गए हैं. इसमें फीचर्स बढ़ाए गए हैं, और इसको फीचर्स में क्या बढ़ाया गया? ये कलर में आ गया. इसमें आ गया कलर में आ गया. तो इसका नाम क्या पड़ा हमारा? CRT. इसका नाम क्या पड़ा? CRT. तो मॉनिटर इज डिफरेंट टाइप, CRT, TFT, LCD, LED. आप लोग आजकल
जो भी दुकान पे जाओ लोग एलसीडी एंड क्या मानते हैं एलईडी। अब इन दोनों को फिर काम लोगों को पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो हम आपको अभी बता तो दे रहे हैं, बाद में हम आपसे इसको एज ए नोट के रूप में देखेंगे आपसे। ओके चलिए देखते हैं दूसरा फुल फॉर्म टी एफ टी। टी एफ टी मतलब ये नाम से पता चलेगा कि ये कैसा होता है। नाम देख लेते हैं टी एफ टी मतलब थीम फिल्म ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर। हमने कल के में पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, हमने कल इनपुट यूनिट पढ़ा था, इनपुट डिवाइस पढ़ा था, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूनिट में हम सब डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आउटपुट डिवाइस का सबसे पहले हमारा फिक्सर क्या है, हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में हम देख रहे हैं, मॉनिटर हमारा क्या है टी एफ टी है। अब टी एफ टी में भी हमने दो प्रकार का देखा, क्या क्या देखा, एलसीडी, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वैसे भी ये आपको पता ही है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो स्टार से इसके लास्ट में हमारा क्या लगा है डिस्प्ले, ये हम आपको डिस्प्ले कराता है। और उसके बाद हमारा क्या है एल ई डी, जिसका क्या है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। सो आपको फुल फॉर्म दिख गए, फुल फॉर्म को आपको देखना है, फुल फॉर्म आपको पूरा नोट्स में करके लिखना है, और जितने भी हम फुल फॉर्म देते जा रहे हैं आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेंगे फुल फॉर्म के। और आपको फुल फॉर्म आपको हमेशा के लिए याद करके रखने हैं, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू या कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपको हमेशा इसी फुल फॉर्म के रूप में ही पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के ही पूछ के आपको क्वेश्चन में बताए जाते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी फुल फॉर्म दिख रहे हैं, जितने भी हम आपको बता रहे हैं, इसको आपको डिलीट नहीं करना है अपने माइंड से, इसको अपने माइंड में हमेशा के लिए बसा के रखना है, हमेशा के लिए अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। अगर हम सब स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी मेमोरी जैसे हमारे दिमाग होता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर का भी स्टोरेज डिवाइसेज होता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम मॉनिटर पे यही तो देखते हैं कि मॉनिटर आपके बुक्स में इतने प्रकार के आपको दिखेंगे। बाकी आगे हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर हमारा भी एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी हमारा एक प्रकार से क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है। तो प्रिंटर जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, इस प्रिंटर में हम सब देखेंगे कि हमारा प्रिंटर क्या है। जो भी इसको देख रहे हैं इसको एक बार अपना रिवीजन करता रहेगा, और जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको अपने माइंड में रखिए। बिना माइंड में रखे आप इसको कभी भी कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन में आप माहिर नहीं हो सकते। तो आपको सबसे ज़्यादा माहिर होना है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन बेसिक आपकी मजबूत होनी चाहिए, बिना मजबूत के आप कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो देखेंगे प्रिंटर, अभी तक हमने देखा मॉनिटर के बारे में, अब हम देखेंगे इसको प्रिंटर को। प्रिंटर प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के एक प्रकार से हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर द प्रिंटर इज यूज टू जनरेट आउटपुट इन द प्रिंटेड फॉर्म, ये किसको देता है आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म में, इसमें देता है प्रिंटेड फॉर्म। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी, जो प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है वो क्या होता है हमारा हार्ड कॉपी होता है, इसको क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी। हमने स्कैनर में पढ़ा था वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करता है, लेकिन इसका एक छोटा सा डिफिनेशन हमको बता देते हैं कि ये हमारा क्या करता है हार्ड कॉपी को किसमें करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में करता है। हार्ड कॉपी तो देता ही देता है, लेकिन ये किसको करता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सो प्रिंटर इज अ कन्वर्टर ऑफ द सॉफ्ट कॉपी इनटू द हार्ड कॉपी, प्रिंटर एक प्रकार का क्या है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। अब इसमें हम तो देखते हैं कि हमारा प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर में कितने प्रकार है, प्रिंटर में हमारे दो प्रकार हैं कौन कौन सा, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास पहले तो इम्पैक्ट प्रिंटर को देख लेते हैं, हमारे पास प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये हमारा क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और ये लेजर प्रिंटर, ये हमारे तीनों प्रिंटर हैं जो आज के समय में यूज हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग विभाग में हो रहे हैं, अलग अलग सोर्स के रूप में यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स को देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स आप लोगों को डीपली देखना है तो आप आगे की क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं कि डॉट मैट्रिक्स
होता क्या है, जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो हमारा पॉइंट में देता है। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा रेलवे लाइन पे, कभी आप लोग नंबर वाली घड़ी देखे होंगे, रेलवे ट्रैक पे जाइए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पे नंबर वाली घड़ी देखे होंगे। उसमें कैसा होता है, रेड कलर की लाइट्स जलती है, जो बजता रहता है, सपोज आपका 6 बज रहा है तो 6 में इस प्रकार से होता हुआ दिखेगा। ये ऐसा दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको, आप लोग ज्यादातर ध्यान दिए होंगे, ऐसा प्रिंटेड किसमें मिलता होगा आपके, जैसे टिकट आप लोगों ने रिजर्वेशन कराते होंगे तो वहाँ पे टिकट के रूप में दिखता होगा। टिकट पे जो नंबरिंग होती है वो आपके किस प्रिंटर से होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। किससे होती है, डॉट मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में टिकट हुआ, टिकट प्रिंट करना, लेजर प्रिंट करना। अब लेजर का क्या है, लेजर प्रिंट करता है, तो लेजर भी क्या है, लेजर हमारा क्या होता है, जैसे देखते हैं तब आपको क्या एग्जाम्पल है, जैसे बैंक, बैंक में देखे होंगे, बैंक में जो आपका लाइट या लाइट का बिल देखे होंगे, लाइट का बिल, लाइट बिल देखे, लाइट के बिल या आपका लेजर, जैसे ऐसा पेज होता हुआ ध्यान दिए होंगे। जैसे टिकट के बगल में ऐसा आता है, ये जो होल होते हैं बगल बगल में, जैसे लेजर तो हुआ, लाइट बिल हुआ, पहले आते थे लाइट बिल, लेकिन आजकल प्रिंटेड आ रहा है वो आपके इससे आते हैं, इनके जब प्रिंटर से हो रहे हैं, तो आजकल नारिंग का प्रिंटर के रूप में हमारे सब, जैसे रेलवे ट्रैक, वो बस के, बस स्टेशन पे जाइए, जो बस के टिकट कलेक्टर होते हैं, जो बस वाले होते हैं, वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर लेके चलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेके चलते हैं। वो सब हमारा, जैसे लाइट का हो, आपका राशन का बिल देना हुआ या कपड़े का बिल देना हुआ, या आपके पॉइंट पे देखे जाए कि आपके जैसे बस का टिकट काटना हुआ, तो ये सब हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा होता है। दोनों में डिफरेंट अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी हम सब देखेंगे किसको, इंटीजर प्रिंटर। अभी तो हमने देखा किसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। ये हमारे इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ये हमारे क्या है, उसके एग्जाम्पल्स है। इंटीजर प्रिंटर आप लोगों को नॉर्मली सभी दुकानों पर मिल जाएंगे, आप जाइए नॉर्मली सभी दुकानों पर मिल जाएंगे। लेजर पहले चलता था, कुछ ही दुकानों में आपको लेजर देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपका इंकजेट, जो कलर प्रिंटर देखे होंगे, जो फोटो से फोटो बनाते हैं आप लोग देखे होंगे, वो भी आपका क्या है, इंकजेट प्रिंटर है। कभी ब्लैक एंड व्हाइट जो सिर्फ प्रिंटर के द्वारा होता है वो हमेशा लेजर होता है। बस अंतर कितना है इंकजेट और लेजर में, बस इतना अंतर है कि आपका जो इंकजेट होता है इसमें इंक यूज होता है, और इसमें क्या होता है, पाउडर के रूप में हमारा इंक यूज होता है, तो पाउडर यूज होता है, दोनों में बस इतना ही है। इंक यूज होना मतलब यहाँ पे हमारा लिक्विड इंक यूज होता है, और यहाँ पे हमारा पाउडर यूज होता है इंक के रूप में। सो हमारे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम तो देखेंगे, ये तीनों हमारे प्रिंटर्स होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास बहुत से प्रिंटर्स हैं, लेकिन हम सब अभी सिर्फ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर आल्सो नोन एज द लाइन प्रिंटर, आर आल्सो नोन एज द लाइन प्रिंटर, किस नाम से जाना जाता है, लाइन, सॉरी हम आगे देख लेते हैं, आर आल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर, आर आल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर। देख रहे होंगे किस नाम से जाना जा रहा है, आपके लाइन प्रिंटर के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, प्रिंटर अभी यहाँ पे होता है। अब प्रिंटर के बाद हम सब देख लेते हैं हमारा डिफरेंट में हम सब देख पर मिनट हमारा इसको क्या करता है, प्रिंट करने का कार्य करता है, ओके। तो ये हमारा डिफरेंट होता है, ये आपको बुक्स में आपको पॉइंट बाय पॉइंट मिल जाएंगे, आप इसको पढ़िएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आ रहे हैं, आप एक बार हमको व्हाट्सएप पे कमेंट करिए कि सर इस पॉइंट को आप समझा दीजिए। बुक्स में एक बार ज़रूर आप देखिएगा, बिना बुक्स में आप देखे आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। ये आपको जो डिफरेंट है पेज नंबर 10 पे मिलेगा, आपकी क्लास 7 के देख लीजिएगा, पेज नंबर 10 में दोनों का डिफरेंट आप लोग को देखना है, और आपने कॉपी में नोट्स करना है, क्योंकि डिफरेंट ही इम्पोर्टेंट होती है आपको दोनों को अलग करने के लिए, डिफरेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लॉटर। उसके बाद क्या होता है हमारा प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है हमारा प्रिंटर का ही एक एडवांस अपर रूप है, प्रिंटर का ही एक क्या होता है एडवांस अपर रूप है। प्रिंटर का एक एडवांस में क्या होते हैं, जैसे
देखा जाए कि हमारा जैसे प्रिंटर से छोटे छोटे प्रिंट करना हुआ, प्रिंटर से क्या हुआ छोटे छोटे प्रिंट करना है, प्रिंटर से छोटा छोटा प्रिंट जैसे बुक्स प्रिंट करना हुआ या छोटा मोटा जैसे कोई पेज प्रिंट करना हुआ, उससे हम सब प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको बड़े बड़े फ्लैग्स होर्डिंग बैनर्स ये सब प्रिंट करने हुए तो कैसे करेंगे, कोई बता सकते हैं? वो हमारा एग्जाम्पल क्या है, प्रिंटर प्लॉटर, वो हमारा क्या है प्लॉटर। तो प्लॉटर से हम सब क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैग्स जितने भी हमारे आप लोग शॉप पे देखे होंगे उनके दुकान की नेम प्लेट होते हैं जो हमारे फ्लैग्स से चलते हैं, जो हमारे प्लास्टिक में प्रिंटेड होते हैं, वो हमारे किससे होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा किसका, स्पीकर का। अगला क्या है हमारा, स्पीकर। स्पीकर में भी आप लोग देखे होंगे जो आप लोग लैपटॉप से गाना बजाना जैसे आजकल डीजे बजता है, ध्यान दिए होंगे सभी लोग देखे होंगे कि भाई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर से डीजे बजा रहा है तो अच्छा बजा रहा है। तो जो स्पीकर बाहर लग रहा है वो हमारे लैपटॉप से अटैच होकर बज रहा है ना, ये हमारे सिस्टम से अटैच होकर बज रहा है। तो स्पीकर भी एक प्रकार से हमारा क्या है, उसका एक यूनिट है, और इस यूनिट के द्वारा ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक डिवाइस भी माना जाता है। तो ये हमारे स्पीकर भी एक आउटपुट यूनिट के रूप में यूज किया जाता है हमको अपने साउंड्स को सुनने के लिए, जो भी हम स्पीक करते हैं या जो भी हमारे सॉन्ग होते हैं, जो भी हमारे वीडियो के ऑडियोज होते हैं, उन सबको सुनने के लिए हम सब स्पीकर्स का प्रयोग करते हैं। और बहुत से हैं आउटपुट डिवाइसेस में, हम सब आगे की क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी आपकी क्लास में ये सिर्फ आपको इतने आउटपुट्स के बारे में देखना है। आगे हम सब पढ़ते रहेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे अपने वीडियोज को। आपको कोई भी क्वेरी हो आप तुरंत पूछें, आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, और जो भी आंसर्स आपको देने हैं हम आपको इसके क्लास के अंत में, जैसे हमारा क्लास चैप्टर वन खत्म होता है, हम आपको एज अ पीडीएफ के रूप में एक आपको पूरे क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप सब आसानी से उसको राइट आउट करेगा और उस क्वेश्चन को लर्न करके आपको बताने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन और आंसर होंगे, और जो भी आपके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन होंगे वो हम आपको करा करेंगे। अगला है हमारा सीपीयू। अगला क्या है हमारा सीपीयू। अब सीपीयू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ माइंड। सीपीयू क्या होता है हमारा, कंप्यूटर ऑफ माइंड। तो सीपीयू इज अ कंप्यूटर ऑफ माइंड, सीपीयू इज अ प्रोसेसर। सीपीयू क्या है हमारे, प्रोसेसर है, जो हमारे कंप्यूटर का एक माइंड के रूप में यूज किया जाता है। तो हम सब देखेंगे कि हमारे जो जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं ये सबको हैंडल करने के लिए तो कोई माइंड चाहिए। जैसे हमारे शरीर में अगर हम सबको कोई कार्य करना है, अगर हम सबको कोई कार्य करना है, हम सबको कोई जैसे पेन उठाना हुआ, गाड़ी चलाना हुआ, साइकिल चलाना हुआ, या कोई भी डेस्क में इधर उधर करना हुआ, तो जब तक माइंड हमको नहीं ऑब्जर्व करेगा कि आपको ये कार्य करने हैं तब तक आप नहीं कर सकते। वैसे हमारे कंप्यूटर का भी एक है, जब तक वो सीपीयू आपके माउस को, जब तक वो सीपीयू आपके प्रिंटर को, जब तक वो सीपीयू आपके किसी भी डिवाइसेस को अलाउ नहीं करेगा कि आपको ये कार्य करने हैं, तब तक आप वो कार्य नहीं कर सकते। तब तक वो आप कार्य नहीं कर सकते, वैसे ही हमारा सीपीयू भी होता है। जब तक ये प्रोसेस ना करके दे तब तक आपके आउटपुट कोई रिजल्ट नहीं मिल सकते। जब तक ये इनपुट, सबसे बड़ी चीज जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोसेस में, हमारे तीन होते हैं। पहले तो आपको क्या मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस के बाद ही हमारा आता है प्रोसेस में कार्य। अगर ये प्रोसेस ही ना हो तो फिर हमको कोई भी रिजल्ट तो मिल नहीं सकता आउटपुट से। तो बिना प्रोसेस के हमारा कोई भी आंसर नहीं मिल सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोसेसर को, कंप्यूटर ऑफ माइंड प्रोसेसर। ये हमारा क्या होता है, सीपीयू, और इसी को हम सब बोलते हैं कंप्यूटर ऑफ माइंड। तो सीपीयू हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑफ माइंड होता है। अब इसमें भी कोई भाग होते होंगे, आप लोग क्लास 6-5 में पढ़े होंगे, भाई इसका कोई पार्ट होता होगा, ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे दिमाग का भी दो पार्ट होते हैं, एक पीएस ग्रंथि, एक छोटे दिमाग की बड़ी दिमाग। तो वैसे ही हमारा भी इसका भी कुछ पार्ट होंगे, जिसका अलग अलग कार्य होते हैं, जिसका एक अलग अलग कार्य होता है। उस पार्ट के बारे में हम तो देख लेते हैं, जो हमारा ये सीपीयू है उस पार्ट के बारे में हम तो देख लेते हैं हमारा क्या पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, टाइप क्या है इसका, ALU। दूसरा है हमारा CU। तीसरा है हमारा MU। ठीक है, ये ALU, CU और MU, ये तीन पार्ट होते हैं। ALU हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
एलयू का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब गणितीय। अरिथमेटिक मतलब गणितीय। जितने भी हमारे लॉजिकल या गणितीय वर्क होते हैं वो हमारा किसके द्वारा प्रोसेस किया जाता है? एलयू के द्वारा। सीपीयू तो है, सीपीयू का सपोज ये हमारा, ये सीपीयू का एक पार्ट है, ये हमारा क्या है? सीपीयू है। सपोज ये हमारा क्या है? ये सीपीयू है, ये सीपीयू है। लेकिन इसी सीपीयू में भी तो पार्ट बांटे गए होंगे, इसी सीपीयू में भी पार्ट बांटे गए होंगे। एक होता है हमारा एलयू और एक होता है हमारा सीयू और ये होता है हमारा एमयू। ठीक है, तो जो हमारा क्या होता है, जो भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? हमारा सबसे पहले आए थे कहाँ पे? सीयू लेता है, सॉरी सीयू, सीयू यहाँ पे रहेगा, एमयू यहाँ पे। तो सीयू होता है जो सबसे पहले, जैसे हमको एक इनपुट मिला, ये क्या मिला? इनपुट। ये क्या मिला मुझे? इनपुट। तो जो ये इनपुट मिल रहा है उस इनपुट से हम तो देखेंगे कि हमारा क्या क्या आउटपुट मिलता है। लेकिन आफ्टर प्रोसेस क्या क्या मिलता है? आफ्टर प्रोसेस मिलता है। तो उस आफ्टर प्रोसेस के बाद हम तो देखेंगे कि हमारा इनपुट हुआ, इनपुट के बाद हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। जो आउटपुट मिलता है लेकिन प्रोसेस के बाद ही मिलेगा। तो सबसे पहले इनपुट आया तो वो सीयू लिया, सीयू क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। सीयू क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करके इसको एलयू के पास भेजेगा। कंट्रोल करके कहाँ भेजेगा? एलयू के पास। एलयू से कहाँ भेजेगा? एमयू के पास। कब भेजता है? जब एलयू कंप्लीट कर लेता है और इसको स्टोर करने के लिए बोलता है, भैया आपके पास जो डेटा आया मैं उसको क्या करूँ? स्टोर करूँ। मैं उसको क्या करूँ? स्टोर करूँ। अगर कभी आपसे गलती से भी डिलीट हो जाए तो मैं अपने पास स्टोर करके रखूँ कुछ देर के लिए, नहीं रखूँगा तो आपका डेटा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन कब होता है? पार्ट बाय पार्ट। कैसे होता है? पार्ट बाय पार्ट होता है। जैसे नंबर सिस्टम हमने स्टार्टिंग में बताया था, नंबर सिस्टम में हम सब देखेंगे कि नंबर सिस्टम में ये पार्ट बाय पार्ट, जैसे बाइनरी, बाइनरी में तोड़ेगा, डेसिमल में रखेगा, हेक्साडेसिमल में रखेगा, डेसिमल और हमारा ऑक्टल में। तो ये हमारे पार्ट में तोड़ेगा, इतने पार्ट में तोड़ने के बाद ही हमको समझता है। बिना पार्ट में तोड़े समझ नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा समझता किसको भाषा में? बाइनरी। हमने स्टार्टिंग में सिक्स में पढ़े होंगे तो वो बाइनरी की भाषा को समझता है। किसको समझता है? कंप्यूटर बाइनरी को। बाइनरी मतलब जीरो एंड वन, इसका समझता है जीरो एंड वन को। तो कंप्यूटर पार्ट में तोड़ेगा, इसको कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद आपको रिस्पॉन्स देता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो हमारा जितने भी अरिथमेटिक होते हैं, सपोज अरिथमेटिक मतलब हमारा दो और दो ये होगा, लेकिन इसी में अगर हम सब देखें कि हमारा जो दो और दो है ये तो हमारा अरिथमेटिक है, लेकिन इसमें लॉजिक भी लगेगा ना। लॉजिक क्या लगेगा? हमको जोड़ना है कि घटाना है, कि गुणा करना है, भाग करना है, कि हमको परसेंट निकालना है, क्या करना है, वो हमारे क्या है? लॉजिक से है। इसी लॉजिक को देखकर जो आफ्टर प्रोसेस करता है तो हमको बाद में जो रिजल्ट मिलता है इस लॉजिक के बाद, ये हमारे क्या है? ये सब हमारे छोटे छोटे क्या है? लॉजिक्स हैं। ये हमारे क्या है? लॉजिक्स। तो ये सब हम सब देखेंगे क्या है? लॉजिक। ये दोनों हमारे क्या है? लॉजिक। और ये हमारे क्या है? अरिथमेटिक। ठीक है, तो अरिथमेटिक और लॉजिक में दोनों में अंतर देख लीजिएगा। लॉजिक हमारे ये सब सिंबल्स होते हैं, लॉजिक हमारे क्या है? सिंबल्स होते हैं। और हमारे गणितीय हमारे क्या है? नंबर्स होते हैं। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य ही है आपकी गणना को कैलकुलेट करना, और आपको पता है ये जीरो वन क्या है? हमारा नंबर है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कार्य हमारा एलयू करता है, और इसको कंट्रोल करने का कार्य भी हमारा क्या करता है? सीयू का होता है। आप ये सीयू जो होता है तो हमारा कंट्रोल तो करता है, लेकिन इसको कंट्रोल किस प्रकार से लाना है, कहाँ सेव करना है, कैसे रखना है। अब मेमोरी में भी हमारे पास एक रजिस्टर होता है। वैसे तो हम रजिस्टर के बारे में आप लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आपको छह टाइप का रजिस्टर होता है, सिक्स टाइप के। ये रजिस्टर जो होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं, ये रजिस्टर जो होते हैं हमारे डेटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। तो हमारा जी इंट्रोडक्शन में आंसर होगा क्या पढ़े? आउटपुट और सीपीयू को अभी हमने पढ़ा। आगे देखते हैं हमारा स्टोरेज। आगे हम क्या देखेंगे?
स्टोरेज, कल हम सब क्या देखेंगे स्टोरेज। तो कल की क्लास में हम सब देखेंगे स्टोरेज होता क्या है और कल ही हमारा क्या होगा, कल हमारा चैप्टर ये एंड होगा, कल हमारा ये चैप्टर क्या होगा एंड होगा, कल ही हम स्टोरेज को कंप्लीट देखेंगे। ओके थैंक यू, हम सब मिलते हैं कल की क्लास में और कंटिन्यू करते हैं। ओके।